मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है, कुछ बहुत ही खराब होने लगता है और फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो हम सीधे ही कहते हैं कि समय ही खराब चल रहा है या फिर ये साल ही मनुष्य है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर हम अपने इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करें तो हमें अपनी आज की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। कई सारे विद्वानों ने भी इस साल को अब तक का सबसे खराब साल माना है। आखिर कौन सा है वो साल? और भी कुछ ऐसे साल हैं जो इतिहास में बहुत खराब साबित हुए, उन पर भी बात होंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू के वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद 1941 से 1945 तक नाजियों ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे और 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को नाजियों ने जान से मार दिया था। फिर एक साल ऐसा भी आया जिसने यूरोप को की आधी आबादी को भी ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, 1347 में आई ब्लैक डेथ महामारी के कारण यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इन सब सालों के अलावा इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो बाकी सारे सालों में सबसे ज़्यादा भयानक था। कई बार हम एक सवाल पूछते हैं एक दूसरे से कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम दोबारा नहीं करना चाहोगे, या फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम फिर कभी नहीं खाना चाहोगे। और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा साल है जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहोगे। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको मैं इस साल के बारे में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। माइकल मॉर्क्विन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और इनका कहना है कि 536 AD, जी हाँ 536 AD, यही वो डिजास्टर साल था जो अब तक का सबसे खराब साल साबित हुआ है। इसी साल यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में अचानक आई डस्टी धुंधी फॉग के ने इन हिस्सों को पूरी तरह से अंधकार में ढकेल दिया था। फिर चाहे वो दिन हो या रात, इसमें कोई अंतर नहीं था, क्योंकि पूरे 18 महीने उस साल आधे से ज़्यादा दुनिया अंधेरे में ही रही। वो इसलिए क्योंकि फॉग का सूरज को पूरी तरह से ढकने के कारण गर्मियों में भी टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहता था। बिना सूरज के किरणों के वजह से उस समय की सभी फसलें बर्बाद हो गई थी और अनगिनत लोग भूख से मर रहे थे। और बताया ये भी जाता है कि 536 AD में ही दुनिया ने सबसे भयानक भूखमरी भी देखी थी। पर इसी साल के सभी घटनाओं को सुनते हुए हम ये अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि आने वाले साल भी उस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे होंगे। सन 536 के बाद आए पूरा दशक उसके पिछले 23 सालों में से सबसे ज़्यादा ठंडा डिकेड रिकॉर्ड किया गया था। चाइना में तो गर्मियों के महीने में भी बर्फ गिर रही थी। एरिस्टोनिकल के एक आर्टिकल से पता चलता है कि आयरलैंड में भी 536 से लेकर 539 तक फ्लूटी का भयंकर अकाल था। और इतना ही नहीं, सन 541 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर जस्टिनिक प्लेग्यू महामारी के वजह से 25 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। उस समय चारों तरफ इतना ज़्यादा दिक्कत थी कि लोग उसे भगवान का प्रकोप मानते थे और सबको यही लगता था कि दुनिया का अंत सबसे नज़दीक है। कई सदियों तक किसी को भी उस रहस्यमयी फॉग के आने का कारण नहीं पता लग पाया। लेकिन अब कई साइंटिस्ट इसके पीछे के कारण जान चुके हैं और बताते हैं कि 536 की शुरुआत में आइसलैंड में हुए मैसिव वॉल्केनिक एक्सप्लोशन यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ राख फैल गई थी और उसी राख के कारण वो डस्टी काली रात धुंध पैदा हुई
जिसने सूरज को 18 महीने तक छुपा कर रखा था। वो वॉल्केनिक एक्सप्लोशन इतना भयंकर था कि उसने दुनिया के ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न को झकझोर के रख दिया था, जिसकी वजह से दुनिया में सालों तक अकाल रहा। उसके बाद भी 540 और 547 में ज्वालामुखी और डूबा था, और फिर इससे उबरने के लिए यूरोप को पूरी एक सदी लग गई। इसलिए पूरे 6th सेंचुरी को डार्क एज के रूप में याद रखा जाता है। कई इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि 6th सेंचुरी सबसे भयानक युग था। फिर चाहे आप उस समय किसी राजा के यहाँ भी क्यों ना जन्मे हो, सबका हाल उस समय बेहाल था। क्या हम पूरा एक दिन बिना सूरज का अनुमान लगा सकते हैं? नहीं ना। कुछ थोड़ी देर बिना खाने के रह सकते हैं? नहीं। सोचिए वो दौर कितना कठिन और असंभव रहा होगा उस समय के लोगों के लिए। इसलिए अपनी आज की परेशानियों को धुएं में उड़ाते चलिए और बुरे वक्त को लड़ने का जज्बा इतिहास के इंसानों से सीखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।